फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज के बाद से ही फैजल खान जो कि आमिर खान के भाई हैं ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इन्हें लेकर कई आर्टिकल्स दिखाए गए, कई न्यूज में इनकी चर्चा बनी रही और ये भी इनकी तरफ से कहा गया कि आमिर खान जो है वो बहुत ही बुरा इंसान है, क्योंकि आमिर खान ने फैजल खान को पागल साबित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो हाईकोर्ट का भला हो कि फैजल खान मामले में सही राय दी, सही डिसीजन दिया, जिसके चलते वो अपनी जिंदगी में आज आराम से घूम रहे हैं, वरना आमिर खान ने पागल बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि जो इंसान किसी दूसरे इंसान को मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना देता है, इतनी तकलीफ देता है, उसका पूरा करियर ही चौपट कर देता है, तो क्या उस इंसान को लेकर कोर्ट के पास कोई सजा का रूप नहीं है कि उसे भी सजा दी जाए जिसने किसी इंसान की जिंदगी खराब कर दी। फैजल खान को बिग बॉस में भी ऑफर दिया गया, लेकिन सलमान खान के इस ऑफर को फैजल खान ने ठुकरा दिया। फैजल खान ने अब एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या की गई है। इस मामले में कई अधिकारी शामिल हैं जो अपनी जांच कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इसका खुलासा हो ही जाएगा। कई बार सच बिल्कुल सामने नहीं आता है, वो अचानक से सामने आता है और मैं दुआ करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो जल्द से जल्द सामने आ जाए। चलो ये अच्छा है, जो इंसान खुद इतनी तकलीफ से निकला है, उसने इतनी बढ़िया बात की है, उसे भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या की गई है। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कब सामने आता है, इस बात का हर किसी को इंतजार।